अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से, बड़ी खबर है। सीकर रोड पर बदहवास हालत में मिली युवती, ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। सीकर रोड की घटना जहां पर बताया जा रहा है कि बदहवास हालत में युवती मिली है। युवती दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ हो। युवती को सड़क किनारे फेंक कर ऑटो सवार आरोपी भाग निकले। कहा यह जा रहा है कि युवती को सड़क किनारे फेंक कर ऑटो सवार वहां से फरार हो गए, भाग निकले। विश्वकर्मा के रोड नंबर 17 पर लाल डूंगरी की गई घटना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है, ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपके सामने है। सड़क किनारे फेंक कर ऑटो सवार आरोपी मौके से भाग निकले, लेकिन अब ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया, पुलिस पहुंची वहां पर। जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त, सीकर रोड की एक घटना जहां पर बदहवास हालत में एक युवती मिली है और आशंका यही कि दुष्कर्म और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके। सत्य, क्या वजह, क्या कहा जा रहा है, पुलिस पहुंची है वहां पर? लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो युवती है वो कुछ बता नहीं पा रही है। पुलिस के मुताबिक उसने काफी शराब का सेवन कर रखा है और जो पटक चर्ची वहां उन्होंने बताया था कि करीबन 3 युवक आए थे ऑटो में बैठ के और वो उसको वहां गिरा के फरार हो गए। फिलहाल जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको फोटो संघारे जा रही है जिससे की युवती के बारे में पता लगाया जा सके। और साथ साथ युवती का अभी तक शिनाख्त भी नहीं पड़ी कि युवती कौन है। उसको अस्पताल भेजा गया है जिससे की उसका शराब का नशा जब कम होगा तब जाके आगे की बात कर की। सत्य, कहा आशंका तो ये भी है कि पहले दुष्कर्म और फिर दुष्कर्म के बाद युवती को फेंक कर आरोपी वहां से भाग निकले। बिल्कुल, अभी संभावना ही जताई जा रही है कि युवती का अपहरण करने के बाद में इसका दुष्कर्म किया गया है, लेकिन युवती कुछ भी बताने के उसमें नहीं है क्योंकि उसने काफी अधिक शराब का सेवन कर रखा है। फिलहाल उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है जिससे कि उसका बयान ले सके और अगर दुष्कर्म के साथ में हुआ तो जो आरोपी में गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ये मजदूरों का एरिया है। काफी हद तक वहां पर कर्मचारी लोग रहते हैं। आस पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकाले जा रही है जिससे की जो ऑटो नंबर है वो पुलिस पास आ सके। तो फिलहाल पुलिस के होश में आने का इंतजार कर रही है जिससे उनको बयान सत्य। आसपास के लोगों ने जिन्होंने पुलिस को सूचित किया, उनसे पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि ऑटो में सवार होकर वो आए थे तो लिहाजा उन्होंने देखा होगा। पुलिस को कोई जानकारी मिली है अभी तक आरोपियों के बारे में? बिल्कुल दीपा, पटक चर्ची के अनुसार ऑटो के अंदर 3 से 4 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस युवती को धक्का देकर वहां पर गिराया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऑटो के नंबर नोट नहीं कर पाए और वो जो युवती थी उसको संभालने में लग गए। अब जाके जब पुलिस मुखेर पहुंची तो उसके बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया है जिससे की उसको होश में लाया जा सके और होश में लाने के बाद उसका मेडिकल मुआयना हो सके। और साथ साथ जो इलाका है वीके इलाका वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है। संदिग्ध ऑटो है उस ऑटो की तलाश की जा रही है दीपा। सत्य, अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिली कि युवती कहाँ की रहने वाली है, कौन है, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी तक युवती के बारे में पता नहीं लग पाया कि युवती कहाँ की है और कहाँ पर रहती है। फिलहाल बस उसका जो होश में आने का है इंतजार है वो किया जा रहा है और शायद इसीलिए उसको अस्पताल भेजा गया है। साथ साथ जो ऑटो है सभी जो ऑटो 3 से 4 युवकों के लिए पुलिस ने वीकेआई थाना इलाके में जिससे की जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए पूरे मामले को रखा हो सके कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या रहा, घटनाक्रम क्यों हुआ, किस कारण से घटनाक्रम हुआ और इस पूरे मामले की तहकीकात की जाने की दीपा। और सत्य, आपकी आसपास के लोगों से बातचीत हो गई हुई हो, क्योंकि ऑटो में सवार जब आए थे आरोपी तो वहां से भाग निकले, ऑटो नंबर के जरिए कोई जानकारी अभी तक मिली हो? पुलिस किस तरीके से आगे जांच बढ़ा रही है, किस तरीके से जांच कर रही है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले घटना हुई है जो पटक चर्ची, उन्होंने बताया कि 3 से 4 लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने युवती को धक्का दिया और सड़क किनारे गिरा के वहां से फरार हो गए, लेकिन जब लोगों ने उसको पीछा किया तो ऑटो तेज चला के वो फरार हो गए, लेकिन वहां के लोग उस ऑटो के नंबर नहीं देख पाए और शायद इसीलिए पूरे जयपुर शहर के अंदर नहीं बल्कि वीकेआई थाना इलाके के कुछ इलाकों में जहां पर संदिग्ध घटना हुई थी वहां पर कड़ी नाकाबंदी करा दी गई है और साथ साथ युवती को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उसको उपचार जारी है, उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका लगातार नजर।